आदरणीय अध्यक्ष जी, ये वो सदन है जहां पंडित जी को इसलिए भी याद किया जाएगा, अनेक बातों के लिए याद किया जाएगा, लेकिन हम जरूर याद करेंगे। इसी सदन में पंडित नेहरू का एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट की गूंज हम सबको प्रेरित करती रहेगी। और इसी सदन में अटल जी ने कहा था, वो शब्द आज भी गूंज रहे हैं इस सदन में, सरकारें आएगी जाएगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, पंडित नेहरू की जो प्रारंभिक मंत्रिपरिषद थी, बाबा साहब अंबेडकर जी एक मंत्री के रूप में दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस भारत में लाने पर बहुत जोर दिया करते थे। फैक्ट्री कानून में अंतर्राष्ट्रीय सुझावों को शामिल करने पर बाबा साहब सर्वाधिक आग्रही रहे थे और उसका परिणाम आज देश को लाभ मिल रहा है। बाबा साहब आम्बेडकर ने देश को नेहरू जी की सरकार में वाटर पॉलिसी दी थी और उस वाटर पॉलिसी बनाने में बाबा साहब आम्बेडकर की बहुत बड़ी भूमिका रही थी। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम ये जानते हैं कि भारत में बाबा साहब आम्बेडकर एक बात हमेशा कहते थे कि भारत में सामाजिक न्याय के लिए भारत का औद्योगिकरण होना बहुत जरूरी है, क्योंकि देश के दलित पिछड़ों के पास जमीन ही नहीं है, वो क्या करेगा। औद्योगिकरण होना चाहिए। और बाबा साहब इस बात को मान करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो पंडित नेहरू के मंत्री थे, उन्होंने इस देश में और पहले वाणिज्य मंत्री के रूप में और उद्योग मंत्री के रूप में उन्होंने इंडस्ट्री पॉलिसी इस देश में लाई थी। आज भी कितनी ही इंडस्ट्री पॉलिसी बने, लेकिन उसकी आत्मा वही होती है जो पहली सरकार के थी, और उनका भी बहुत बड़ा अहम योगदान रहा था। आदरणीय अध्यक्ष जी, लाल बहादुर शास्त्री जी ने 65 के युद्ध में हमारे देश के जवानों में का हौसला बुलंद करना, उनके सामर्थ्य के लिए को पूरी तरह राष्ट्रहित में झोंक देने की प्रेरणा इसी सदन में से दी थी लाल बहादुर शास्त्री का, और यहीं पर उन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए एक मजबूत नींव लाल बहादुर शास्त्री जी ने रखी थी। आदरणीय अध्यक्ष जी, बांग्लादेश की मुक्ति का आंदोलन और उसका समर्थन भी इसी सदन ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व में किया था। यही इसी सदन ने इमरजेंसी में लोकतंत्र पर होता हुआ हमला भी देखा था और इसी सदन ने भारत के लोगों की ताकत को एहसास कराते हुए मजबूत लोकतंत्र की वापसी भी इसी सदन ने देखी थी, वो राष्ट्रीय संकल्प भी देखा था, ये सामर्थ्य भी देखा था। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये सदन इस बात का हमेशा ऋणी रहेगा क्योंकि इसी सदन में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह जी ने ग्रामीण मंत्रालय का गठन किया था, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर। इसी सदन में मतदान की उम्र 21 से 18 करने का निर्णय हुआ था और देश की युवा पीढ़ी को इसका योगदान देने के लिए प्रेरित किया गया, उत्साहित किया गया था। हमारे देश ने गठबंधनों की सरकारें देखी, पीपी सिंह जी और चंद्रशेखर जी, और बाद में एक सिलसिला चला, लंबे अरसे से दिशा में देश जा रहा था, आर्थिक नीतियों के बोझ तले देश दबा हुआ था, लेकिन नरसिम्हा राव की सरकार थी जिन्होंने हिम्मत के साथ पुरानी आर्थिक नीतियों को छोड़ करके नई राह पकड़ने का फैसला किया था, जिसके आज देश को परिणाम मिल रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार भी हमने इसी सदन में देखी, सर्वशिक्षा अभियान देश में आज वो महत्वपूर्ण बन गया है।
आदिवासी कार्यालय मंत्रालय अटल जी ने बनाया, नॉर्थ ईस्ट का मंत्रालय अटल जी ने बनाया, न्यूक्लियर टेस्ट भारत के सामर्थ्य का परिचायक बन गया। और इसी सदन में मनमोहन जी की सरकार कैश फॉर वोट को भी, उस कांड को भी सदन ने देखा है। आदरणीय